कतार में प्लेस किए गए हैं। हर एक बूथ पर 6-6 सीसीटीवी कैमराज हैं, 124 कैमराज पूरे मार्केट भर में लगाए गए हैं। भीड़ आप मार्केट की देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर समय के साथ साथ और भीड़ बढ़ती जा रही है। बॉम्ब स्क्वाड जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है और साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से महत्वपूर्ण तरीके से लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सुरक्षा कर्मियों की भी संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही साथ गाड़ियों की मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है, सिर्फ जरूरी गाड़ियां ही अंदर आ जा सकती हैं। दीपावली का त्यौहार जैसे नजदीक आ रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम जो है वो और ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। फिलहाल हम सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद है, जो की एक पुराना प्रख्यात मार्केट है। तस्वीरें सबसे पहले मैं सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पर आपको दिखाऊं कि किस तरीके से एक बड़ा जो अलर्ट का मोड है वो जारी है। जो भी लोग मार्केट के भीतर एंट्री कर रहे हैं उन सबकी बकायदा आप देख सकते हैं कि चेकिंग की जा रही है। आपको मैं बता दूं कि राजधानी के सभी बाजारों में सुरक्षा के इंतजाम को बढ़ा दिया गया है। जितने भी मार्केट हैं, शहर के एक प्रमुख मार्केट हों, जैसे सरोजनी नगर एक पुराना बाजार माना जाता है, यहाँ पर सुरक्षा के उपायों को अत्यधिक सख्त कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बाजार के अंदर अभी भी एक बड़े पैमाने पर जो है भीड़ आपको नजर आएगी, क्योंकि रोजाना हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं खरीदारी करने के लिए। ऐसे में पुलिस सजगता आवश्यकता से बरत रही है। मार्केट का जो मेन गेट है, मैं आपको दिखा दूं, कई अलग अलग पॉइंट्स हैं, आपको वहां नजर आएंगे कि जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं यहां पर साफ तौर पर एंट्री के लिए मशीनरीज बिठाई गई हैं, सीसीटीवी कैमराज यहां पर लगाए गए हैं, सुरक्षा कर्मियों की संख्या यहां पर बढ़ा दी गई। आप देखेंगे जितनी भी गाड़ियां आती जाती हैं उन्हें बकायदा यहां पर रुकाया जाता है, उनकी चेकिंग की जाती है, पूछताछ की जाती है, हथियारबंद जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। एक स्पेशल यूनिट यहां पर कैमरे की लगाई गई है, सत्येंद्र झा आपको दिखाएंगे, जहां पर गार्ड भी हथियार के साथ मौजूद है। आप देखेंगे यहां इस अकेले बूथ में 6 सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं। सभी बाजारों की सुरक्षा को पुख्ता किया गया। आपको बता दें कि 206 FRS कैमराज जो है वो पूरे सरोजनी नगर में लगाए गए हैं, जिसमें 126 कैमराज जो है वो महज सरोजनी नगर के मार्केट में लगाए गए हैं। एंट्री पॉइंट्स पर, एग्जिट पॉइंट्स पर बैरिगेटिंग कर दी गई है। एक सिंपल एंट्री पॉइंट गेट बनाकर रखा गया है, जहां से सभी की जांच पड़ताल होगी, चेकिंग होगी और फिर ही वो एंट्री कर पाएंगे। और ये हर एक गेट का हाल है और इसीलिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि त्योहारों के बीच में हजारों का जो हुजूम है वो बाजारों में आ रहा है। कई विदेशी यात्री भी यहां पर आते हैं मार्केट को और त्योहार को देखने के लिए, इसीलिए सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और साफ तौर पर जो गाड़ियों की मूवमेंट है उसे भी कम कर दिया गया है, जिससे कि राजधानी में आ रहे बाजारों के जो लोग हैं उन्हें शांति स्वरूप से शॉपिंग करने का जो अवसर है वो मिलता रहे। और आप साफ तौर पर देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा फोर्सेस जो हैं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा कर्मियों द्वारा वो यहाँ पर प्लेस की गई है। ACP, DCP रैंक के या SHO रैंक के जितने अधिकारी हैं वो खुद रोज जमीनी हकीकत का मुआयना लेने के लिए पहुंचते हैं। फुट रिपोर्टिंग खुद उनके द्वारा शाम को की जाती है, जिससे कि पैमाना नापा जा सके कि आखिर क्या जरूरतें और बढ़ाई जा सकती हैं सुरक्षा कर्मियों की और क्या बदलाव सुरक्षा के मद्देनजर लाए जा सकते हैं। दिवाली के त्यौहार आने के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने सभी बड़े बाजारों, पब्लिक प्लेसेस में सुरक्षा के मुहैया एक बड़े इंतजाम किए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा फोर्सेज यहां पर लगाई गई हैं। जितनी भी गाड़ियां यहां पर आ रही हैं उनकी डिक्की चेक करके, पूरी गाड़ियों को चेकिंग करके अंदर आया जा रहा है। जो एंट्री पॉइंट्स गेट है वहां पर भी चेकिंग मशीन के साथ साथ गार्ड्स को मुहैया कराया गया है। जो भी बैग्स हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी जांच पड़ताल होती है। और प्रमुख रूप से आप देखेंगे कि सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी जो हैं वो पूरे बाजार में प्लेस किए गए हैं। हर एक बूथ पर 6-6 सीसीटीवी कैमराज हैं, 124 कैमराज पूरे मार्केट भर में लगाए गए हैं। भीड़ आप मार्केट की देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर समय के साथ साथ और भीड़ बढ़ती जा रही है। बॉम्ब स्क्वाड जो है वो भी यहां पर लगाया गया है और साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से महत्वपूर्ण तरीके से लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सुरक्षा कर्मियों की भी संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही साथ गाड़ियों की मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है, सिर्फ जरूरी गाड़ियां ही अंदर आ जा सकती हैं। उच्च पदों पर नियुक्त DCP, ACP, SHO लेवल के अधिकारी जो हैं वो खुद जमीन पर आकर मुआयना कर रहे हैं कि जिसमें अगर कोई बदलाव सुरक्षा के मद्देनजर लाना हो तो वो लाया जा सके और सीसीटीवी से कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग की जा सके। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और अमित शाह का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने जहां FRS कैमरे 6 लगाए हैं। किसी ने कोई भी क्राइम करा होगा वो पकड़ा जाएगा। और
SHO, ACP, DCP खुद मुआयना कर रहे हैं सुरक्षा में कोई कमी ना हो। 206 कैमरे पूरे सरोजनगर में, 124 मार्केट में है और 800 कैमरा दुकानदारों का है। दिल्ली पुलिस सिविल में है, वर्दी में है और महिला सुरक्षा का भी विशेष ध्यान है। आज धनतेरस है, 29 अक्टूबर 2005 को ब्लास्ट भी हुआ था, कई 50 शहीद हुए थे, 250 घायल हुए थे, 2 हैंडीकैप थे, 8 मिसिंग थे, वो बड़ा दर्द का समय था। उसके बाद ऐसी अच्छी व्यवस्था प्रशासन ने बना के रखी है, हम भी कंधे से कंधा मिला के प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। सबके लिए दिवाली मंगलमय हो।